हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा ना कि एग्ज़ाम सीजन अब आ गया है, मतलब अब बैक टू बैक, अब हर एक ऐसा लगता है हर एक मंथ में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। और जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है ना, तो पता चलता है किसी का मेंस ख़त्म हो रहा है तो किसी का प्रीलिम्स, है ना। मतलब ये ऐसे करके चल रहा है, किसी का इंटरव्यू दे के आ रहे तो किसी का प्रीलिम्स चल रहा है। ये प्रोसेस पूरा एकदम दिसंबर तक चलने वाला है अब, है ना। तो इसी सब के रिगार्डिंग IBPS कलर का नोटिफिकेशन आ गया है। आइए सब क्या क्या है इसके रिगार्डिंग आपको जानना चाहिए, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन ये जो दिया हुआ है ना, मतलब बहुत अच्छा अब तरीका बना रहा है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक वगैरह का, तो इसमें अभी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे ऊपर जो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सारा का सारा बैंक अभी पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है, ठीक है, सबके रिगार्डिंग है। और बात करते हैं T20 वगैरह जो डेट का ना एग्ज़ाम का, मतलब कब होने वाला है, ताकि ये आपको बहुत, अरे ये कहाँ पे आ गए, एक मिनट, सिस्टम कुछ, हाँ इंडेक्स में जाना है ना, सबसे पहले इंडेक्स में गए, फिर उसके बाद पार्टिसिपेटिंग बैंक में हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम पूरा दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, मतलब ये एक, आज कितना तारीख है, 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई से 21 तक इसका मतलब पूरा प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, ठीक है। और पेमेंट वगैरह सब यहीं पे होने वाला है। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का जो कॉल लेटर जो आने वाला है, ठीक है ना, वो अगस्त में आएगा, ठीक है, और ये अगस्त में ही होने वाला भी है, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है कि आपका जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। अभी डेट वगैरह कब होगा वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये T20 है कि अगस्त में ही इसका होने वाला है, ठीक है। अगस्त या फिर मतलब ये हो सकता है कि अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर पहले में, ठीक है। और रिजल्ट भी जो होगा ना वही, ये तो ज़्यादा दिन टाइम ही ना लेता है, तो वही सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये मेंस का बात करते तो मेंस होने वाला आपका अक्टूबर में ही होने वाला है, ठीक है। अप्रैल को तो पता है ना कि हाँ ये पूरा अलॉट वगैरह सब कुछ हो जाता है, इतना आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ना, हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जान लीजिए, इसमें क्या क्या हो सकता है कि आप तो इंडिया के हैं या फिर नेपाल भूटान वगैरह सबका, उतना तो ज़्यादा कोई ऐसा थोड़ी ना कि नेपाल वाला भरता है, लेकिन चलो ठीक है। एज के बारे में जान लीजिए, एज को लेकर के क्या है कि 1/7/2023 तक, ठीक है, आपका जो मिनिमम है ना, ठीक है, वो 20 साल, और मैक्सिमम जो है 28 साल। मतलब कई लोगों को ये रहता है एज को लेकर कि मेरा एज इतना है। अब सिंपल ये देख लो कि 2/7/1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके और इसके बीच का अगर जन्म है तो आप फॉर्म भरने के एकदम पूरा योग्य हैं, ठीक है, इतना बात आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी अपना अलग इस तरह के कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, आप ये अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से इंडेक्स में आ गए, अब बात करते हैं ना एजुकेशन वगैरह क्या कैसे होना चाहिए। कई लोग के मन में ये भी आता है ना कि हाँ मतलब मेरा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। देखो नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगता है कि हाँ किसी भी आप यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी में भी कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, डिग्री वगैरह ये सब है, मतलब ग्रेजुएट लेवल का कोई भी डिग्री आपके पास है ना, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है, ठीक है। और चलिए फिर से चलते हैं इंडेक्स में, अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह क्या कैसे है, नहीं है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। हाँ ये तो बात पता है ना कि पेनाल्टी 0.25 लगता है, मतलब 4 गलती अगर हो रहा है ना तो 1 नंबर सही में से भी कट जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह तो ये रहता है स्टेट वाइज ही रहता है, तो इतना आप ये तो ये जो इतना जगह दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री जो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे होता है, ठीक है, और यहाँ पे अपना जगह जगह देख लीजिएगा, हर एक लगभग मेन शहर में सब रहता ही रहता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा बड़का इशू नहीं रहता। कई लोगों को लगता है कि वैकेंसी वगैरह को लेकर के कहाँ से भरे नहीं भरे, तो अभी एकदम ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही भरना शुरू कर देना है, क्योंकि
ये वैकेंसी घटते बढ़ते रहता है एकदम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक का नाम तो सब दिया हुआ है, लेकिन अभी सारा बैंक जो है अभी जैसे यहाँ पे स्टेट वाइज रहता है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार में देख सकते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये आप ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस स्टेट से हैं, ठीक है, और किस स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी इशू रहता है थोड़ा सा, तो ये चीज़ ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। आप जैसे बिहार आ गया, तो बिहार में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी कोई उसका अभी कोई ये नहीं आया हुआ है, ठीक है, लेकिन इंडिया बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब का है, ठीक है, तो ऐसे ही पूरा स्टेट वाइज रहता है, इसमें आप कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, कई लोगों को लगता है ना कि आखिर इसका, देखो जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना उनको तो ज़रूर ज़रूर पता होना चाहिए ना, जब पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, बहुत लोगों का तो एक्सपीरियंस होगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कहाँ चला गया स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, 65 पेज का ना दिया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये रहता है, बाकी इधर मिलिए जाएगा, नहीं मिलने वाला है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन ऊपर ही था, देखो हाँ फी भी देख लो, फी जो है ना, मतलब जो ST ST वाले में, SC ST वाले में तो उसको 175 रुपया, बाकी सबको 850 रहता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन बात करते हैं प्रीलिम्स का ना, देखो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है, इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं, और ये बाकी मैथ रीजनिंग का 35 35, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, सबके लिए ना आपको सेपरेट टाइम अलॉट है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, मतलब टोटल 1 घंटा का आपका ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है, इसमें 0.25 निगेटिव भी करता है, ये प्रीलिम्स का हो गया। बात करते हैं मेंस का ना, तो मेंस का थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है कि ये जो GA वाला जो सेक्शन आता है इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क का रहता है, इंग्लिश जो रहता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो रहता है ना 50 क्वेश्चन लेकिन 60 मार्क्स का रहता है, अक्वांट जो रहता है ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मतलब टोटल 190 क्वेश्चन आएगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो है ना ये 200 रहता है, ठीक है, और टोटल जो टाइम सबके लिए सेक्शनल अलॉट है, जैसे GA के लिए 35 मिनट रहता है, इंग्लिश के लिए भी 35 मिनट, और ये मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए टोटल 45 मिनट टाइम अलॉट है, ठीक है, मतलब टोटल 160 मिनट जो कहते हैं, मतलब 2 घंटा कितना हो गया, 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 60 दूना 100, 2 घंटा 40 मिनट के आसपास आपको टाइम इसके लिए एकदम पूरा दिया जाएगा। आई होप पूरा मैटर आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, अब जल्दीबाजी एकदम नहीं बढ़ना है, किस स्टेट से भरे ना भरे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ जैसे कई लोग का लैंग्वेज इशू, एग्जाम जो टेस्ट जो रहता है ना, ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे अंडमान निकोबार से भरेंगे तो वहाँ पे ना क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में खुलेगा, आंध्र प्रदेश से रहेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी और तेलुगु तीनों में खुलता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कहाँ पर क्या कैसे है नहीं है, और क्योंकि स्टेट वाइज लैंग्वेज भी मतलब हिंदी इंग्लिश तो रहता ही रहता है, और जैसे कुछ लोगों को बंगाली समझ में आता था, वेस्ट बंगाल वाले में बंगाली भी खुलेगा, ठीक, तो ये चीज़ आपको देख लेना, यह पूरा मैटर आप समझ गए होंगे, पूरा पहले अच्छे से बारीकी से देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है ना, ठीक है, आपको मतलब एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ना वो तब फिल करना है, ठीक है, चलिए बाय बाय, ठीक है, और कुछ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर जरूर ज्वाइन कर ले, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, चलो।